हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुक विद तनु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ रेसिपी, उसका नाम है भरवा मसाला टिंडा रेसिपी। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नए तरीके से जो मसाला भरवा मसाला वाले टिंडे होते हैं, जो ग्रेवी वाले बनते हैं, वो बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बच्चे हो बड़े हो बहुत चाव से इसको खाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टिंडे ले लिए हैं किलो के करीब। तो मैंने इसको अच्छे से धो लिया है और धोकर इसको अब हम काटना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका हल्के से इसका जो ऊपर का छिलका है वो हल्का हल्का उतार ले और इसको बीच से कट लगाएं। तो दोनों साइड से इसको कट लगाना है और ऐसे करके, और हम सारे टिंडे हैं उसको ऐसे ही इसका हल्का हल्का छिलका उतार लेंगे और बीच से उनको कट लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे टिंडे हैं जो छील कर उसको कट लगा लिया है बीच में। तो चलिए इसका मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच मैंने नमक लिया है, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच मैंने जो जीरा है साबुत उसको पीस लिया था, एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे मिर्च का लिया है, और थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें डाल के इसका जो मसाला है वो तैयार कर लूँगी। तो चलिए एक एक करके टिंडे में मसाला भरना शुरू करते हैं। गैस ज़्यादा इसमें मसाला नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा ही भरना है ताकि जो टिंडे होते हैं वो अच्छे से अंदर से पक जाएं और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है ऐसे। तो मैंने यहाँ पे सारे टिंडे हैं मसाले से भर लिए हैं और इधर मैंने एक पैन में 3 चम्मच के करीब मैंने सरसों का ऑयल डाला है। तो ऑयल मेरा गर्म हो चुका है तो मैं इसमें सारे टिंडे एक एक करके डाल दूँगी। आपने इनको 2-2 मिनट तक पकाना है अच्छे से, जब तक ये नरम ना हो जाए। तो मैं इसको ढक्कन लगाकर 2 मिनट तक पकाऊंगी। तो जब तक हमारे टिंडे पक रहे हैं तब तक हम इसकी जो ग्रेवी है उसकी तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 प्याज और मैंने 7-8 लहसुन की कलियाँ, 4-5 के करीब मैंने हरी मिर्च ली हैं और 2 मैंने टमाटर ले लिए हैं। इन सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है। आप मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं, चॉपर में पीस सकते हैं। तो मैं इसमें टमाटर भी इकट्ठे ही डाल दूंगी, इससे क्या है जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी अच्छी बनती है, गाढ़ी बनती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे इसका जो गाढ़ा मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है टमाटर का। तो इधर मेरे 2 मिनट हो गए हैं, टिंडे हमारे पक रहे हैं धीरे धीरे से। अब मैं जो इसकी आंच है वो धीमे कर दूंगी और उल्ट पलट करके इसको 2 मिनट तक एक बार और पकाना है। तो मैं इसको ढक्कन लगाकर 2 मिनट तक और पकाऊंगी। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट मेरे हो गए हैं और मेरे टिंडे हैं अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और कुछ तो टूट भी गए हैं। तो यहाँ पे तड़के के लिए मैंने 2 लौंग, काली मिर्च 4-5 और 2 इलायची, मीठी सौंफ और जीरा, कुछ खड़े मसाले लिए हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है गैस पे। अब इसमें मैं 2 चम्मच डालूँगी ऑयल और इसमें जाएंगे सारे खड़े मसाले, और बाद में मैं इसमें आधा चम्मच हींग का डालूंगी। आधा चम्मच हींग का इसलिए डाला है क्योंकि आजकल जो बाज़ार में हींग मिलता है वो तेज़ नहीं होता है। तो अब साथ में मैं इसमें जो ग्रेवी मैंने बनाई थी वो भी इसमें डाल दूंगी और इसको 5 मिनट तक हमने ग्रेवी को अच्छे से पकाना है, जब तक इसके जो हैं वो पानी ना छूट जाए ऑयल। और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच नमक का और इसमें आधा चम्मच जाएगी हल्दी, 1 चम्मच जाएगा धनिया पाउडर और थोड़ी सी जाएगी देगी मिर्च। गैस आपने नमक का बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि हमने मसाले में भी नमक डाला था पहले, तो ग्रेवी में भी आपने स्वाद अनुसार ही डालना है। तो अब मैं इसको 5 मिनट के लिए पका लूँगी। तो 5 मिनट हो गए हैं, मैंने इसमें आधा गिलास मैंने गर्म पानी का डाल दिया था और अब ये अच्छे से पक गए हैं। तो मैं इसमें सारे टिंडे डाल दूँगी और इसको 5 मिनट तक पकाऊंगी।
तो आप देख सकते हैं 5 मिनट हमारे हो गए हैं, हमारे टींडे अच्छे से गल गए हैं और ग्रेवी में बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं मैंने ऊपर से इसमें जो है हरा धनिया नहीं था तो मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं टींडे हमारे जो मसाले वाले हैं कितने अच्छे बने हैं। तो आप भी अपने घर में ऐसे ही टिंडे की सब्जी, मसाला टिंडे की सब्जी नए तरीके से, मेरे तरीके से बनाएं, खाएं और इन्जॉय करिए। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।